हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए झारखंड बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी मॉडल पेपर में 2024 एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट को देखेंगे। देखिए पहले अभी हम लोग 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर को जानेंगे। पहला क्वेश्चन 26 नंबर में है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। क्या यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? देखिए उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और बताना है कि वह राशि सदिश है या अदिश है। तो न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा? देखिए आंसर होगा, चूंकि एल्युमिनियम का प्रतिरोध तांबे की तार से अधिक होता है इसीलिए तांबे की कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। स्वाभाविक बात है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध तांबे की तार से अधिक होता है, यानी एल्युमिनियम की कुंडली में धारा प्रवाहित कम होगा, तांबे की तार में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जाँच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का यानी एक्सरे का, याद रखिएगा ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए एक्स किरणों का, एक्सरे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, दो कणों का संवेग बराबर है उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? देखिए दो कणों का संवेग यानी मोमेंटम इक्वल है, बराबर है, तो उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? आंसर समझिए, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है। जब क्वेश्चन में संवेग समान है यानी पी समान है और प्लांक नियतांक एच नियत राशि है तो तरंग दैर्ध्य भी दोनों के लिए समान ही होगा। देखिए तरंग दैर्ध्य होता क्या है, लैम्डा बराबर एच बाय पी, एच क्या है प्लांक नियतांक जो कॉन्स्टेंट राशि है और पी क्या है संवेग जो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का संवेग बराबर है, यानी लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों कण के लिए तरंग दैर्ध्य मान लेंगे तो लैम्डा वन भी होगा एच बाय पी, लैम्डा टू भी होगा एच बाय पी, क्योंकि एच प्लांक नियतांक कांस्टेंट राशि है और संवेग पी दोनों के लिए समान दिया है, ऑटोमेटिक दोनों के लिए लैम्डा एच बाय पी होगा यानी तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1:1 होगा, दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य समान होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 30 पी टाइप अर्धचालक में कैसी औषधि मिली होती है, त्रिसंयोजी औषधियां, ठीक है, ट्राइवेलेंट औषधि, ठीक है, याद रखिएगा पी टाइप अर्धचालक में ट्राइवेलेंट औषधि का डोपिंग किया जाता है। 30 का हो गया आंसर। आगे देखिए 31, एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 की दरों में रखा गया है, लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? देखिए एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 की दरों में रखा गया, लिक्विड में रखा गया, तरल में, लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? 1.5 होना चाहिए। जब लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है तो दर यानी तरल का अपवर्तनांक भी 1.5 होना चाहिए, तब लेंस उस दरों में डूब जाएगा, छिप जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक जब उस तरल दरों के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो लेंस को डुबा देंगे तो गायब हो जाएगा, लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें समावेशित हो जाएगा, मिल जाएगा और लेंस गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेंस के गायब होने के लिए तरल दरों का पदार्थ का अपवर्तनांक भी 1.5 होना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न 32, ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है, परावैगनी किरणें, याद रखिएगा ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में परावैगनी किरणें सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है, ओजोन परत हमको सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों से बचाती है। आगे देखिए 33, चुंबक या संवेदनशीलता किस तरह के चुंबक के सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है, प्रति चुंबक पदार्थों के लिए, याद रखिएगा
सबसे अधिक धनात्मक होगा लोह चुंबक के पदार्थों के लिए, अब बोलेगा ऋणात्मक तो प्रति चुंबक पदार्थों के लिए, बोलेगा शून्य तो अनुचुंबक पदार्थों के लिए, याद रखिएगा ठीक है। प्रति चुंबक के पदार्थों के लिए चुंबक की संवेदनशीलता नेगेटिव होती है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला 34। बायोट सावर्ट का नियम सदिश रूप में लिखिए, बायोट सावर्ट का नियम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखना है। देख लीजिए डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल का वेक्टर क्रॉस आर कैप बटा आर क्यू, ठीक है। यही बायोट सावर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है। तो चलिए अभी हम लोग सभी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का सही सही आंसर फिजिक्स में देख लिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।